गाइस देखो पीछे। तो गाइस आज है नेशनल डे। वेल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो। तो गाइज हम लोग बहुत लकी थे कि हम स्विट्जरलैंड लाइक स्विस नेशनल डे पर इंटरलाकेन पे थे। वैसे तो बहुत सारी जगह पर फायरवर्क जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया बिकॉज ऑफ आपको पता है कोरोना के कारण, पर इंटरलाकेन में लोगों ने लाइक आम जनता ने फायरवर्क और पटाखे से सेलिब्रेट किया। तो बच्चे यहाँ का नेशनल डे ऐसा मना रहे So on 1st August 1291, Three Forest Cantons signed the Federal Charter, seen as a foundation of Switzerland. इस दिन नेशनल हॉलीडे होता है और लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लाइक मैंने तो हर जगह फ्लैग्स देखे। लोगों को अब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि पेड़ क्यों जला और कैसे जला। अरे जलाया है यार, जानबूझ के जलाया। ऐसा लग रहा था उस एंगल से कि ये गाड़ी जल गई है ना, वहाँ से तो ऐसे गाड़ी लग रहा था। कितनी दूर है ये गाड़ी, ऐसे उस खड़ी उस एंगल से लग रहा था कि गाड़ी जल गई है। अरे हरा पेड़ ऐसे जानबूझ के गाड़ा है जलाने के लिए। गजब गदर मचा हुआ है। ये सुरभि देखो लाइव लगी हुई है इंस्टाग्राम पर लाइव अपडेट देने में। गाइस देखो पीछे, आपको ऐसा लग रहा होगा ये जल गया है पटाखों से, बट ये इन लोगों ने जलाया है। जितने लोग वहाँ थे सब यहाँ पर आ गए, और उस एंगल में से ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी जल रही है। वाओ दिस इज वेरी गुड एक्सपीरियंस। हमें नहीं पता था कि आज यहाँ का नेशनल डे और हम यहाँ बैठे थे। और यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है इन पटाखों से, पर मज़ा तो आ रहा है। देख होली का ऐसा लग रहा है, होली है यहाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं रामलीला मैदान में खड़ा हूँ। सच में पटाखे ही पटाखे फूट रहे। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस गाइस, सीरियस। एंड आपको यकीन नहीं होगा गाइस, यहाँ पर हर जगह पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, फायर ब्रिगेड खड़ी थी, और सबको ऐसा लग रहा था ये कुछ गाड़ी वाड़ी जल गई है, इसलिए धीरे धीरे सब लोग इस जगह पर इकट्ठे हो गए। तो लाइक जो दिमाग है, कॉमन दिमाग, वो चाहे स्विट्जरलैंड के लोग हो, इंडिया के लोग हो, या दुनिया के कहीं के भी लोग हो, वो सेम ही होता है। उन्होंने जैसे ही देखा कि समथिंग इज हैपनिंग, सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। देखो ये तो चल रहे हैं पटाखे, ये लोग फायर फाइटर्स खड़े हुए हैं इनकेस इमरजेंसी पे जरूरत पड़े तो। देखो यहाँ के लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आराम से बैठे हैं चादर बिछा के, वाइन ले आए हैं, पी रहे हैं और आराम से इस व्यू में। सो अपनी चादर लाओ, बिछाओ, खाने पीने का सामान लाओ और आराम से इंजॉय करो। आप भी ऐसे ही इंजॉय करो, फायरवर्क स्टार्ट होने वाला है। ये तो छोटे मोटे पटाखे हैं। आई एम लविंग इट। Thank you.
यू नो गाइज, द सेम मोमेंट मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था ये सारा सेलिब्रेशन जो है ये मेरे लिए हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले और आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है वीडियो देखते हैं उनको भी, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं भी किया वीडियो देखते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सब लोगों को थैंक यू। ये जर्नी ईजी नहीं थी पर बहुत इंजॉय किया मैंने ये जर्नी को, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे भी आपको ये सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताती रहूं। विंडो पे देखो कि होटल की कितनी अच्छी वो चल रही है स्क्रीन पे, इसके विंडोज पे साउंड। ये लोग बोलते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं ऐसी, सब बैठे तक पटाखे और ये देखो फुल मून, अभी बहुत देर से रात के 10 बजे हुए हैं, फुल मून। वो हम बिकते हैं वही है। और यहाँ पर भी गोवा वाले चश्मे, लाइट, टिमटिम लाइट सब कुछ मिल रही थी जो कि बहुत ही अच्छा लगा देख के। यहाँ तो बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते पर एंड जैसे जैसे रात हो रही थी ये पटाखों की जो फ्रीक्वेंसी है, फायरवर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ का नेशनल डे स्विट्जरलैंड, आपको हमने दिखाई दिया, बढ़िया माहौल है जब जो एम्स्टर्डम में न्यूयॉर्क पे था सेम लेवल का छोटे स्केल पे, और अभी भी सुपरमार्केट खुले हुए हैं 10:30 बजे। 10:30 बजे कैसे खुले हैं? ये 10:30 तक खुलता है, 10:30 तक। Guys, this is about today. Signing off. I take care. बिकॉज हम बहुत थक गए थे तो हम लोग अराउंड 11 बजे यहाँ से निकल गए, पर पूरे रास्ते पटाखे जो थे वो चल ही रहे थे और लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। लोग सारे सड़कों पे आ गए थे, मतलब इंटरलाकिन बहुत छोटी सी जगह है और कोविड के कारण बहुत सारे लोग टूरिस्ट थे भी नहीं, पर स्टिल बहुत सारे लोग देख रहे थे तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पर। आपने कितना इंजॉय किया नीचे ज़रूर कमेंट करना, और ऐसी के साथ हम लोग स्विट्ज़रलैंड ट्रिप जो है उसे बाय बाय कहते हैं। दिस इज़ इन स्विट्ज़रलैंड ज़रूर हैशटैग करना अगर ट्रिप फॉलो करो तो, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। लव यू दीपक।
एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल।